ऑल्सो वेलकम यू ऑल। सो बी एच यू के क्वेश्चन जो नीट बच्चे देते हैं वो बी एच यू का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले पेज पे इंस्ट्रक्शन है, तो जैसे कि मैं पी सी बी वालों के लिए बता रही हूँ और उनके ही क्वेश्चन दिखाऊंगी, जिनका बायोलॉजी ग्रुप है उनको क्या क्या करना है, ठीक है। तो 2 आवर्स का एग्ज़ाम है, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 200 है और टोटल मार्क्स है 300। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है यहाँ पे, तो 300 मार्क्स का ये पूरा होता है, ओके। तो जैसे कि अगर हम मेरा बायोलॉजी है और हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं बी एच यू बी एस सी एग्रीकल्चर के लिए, तो आपको सबसे पहले मेंटल एबिलिटी देखना होगा। 25 क्वेश्चन गाइज ये मेंटल एबिलिटी के होते हैं जो आपको करने हैं। सो जो भी नीट दिए हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि वो बी एच यू का एग्ज़ाम भी दे और आपको ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो बी एच यू के एग्ज़ाम्स में सबसे पहले मेंटल एबिलिटी दिया होता है, इसके 25 क्वेश्चन होते हैं, ये मैंडेटरी होता है। ये तो फिजिक्स वाले को भी करना होता है, पर हम पी सी बी वाले के लिए बता रहे हैं, उनका बायोलॉजी ग्रुप है उनके लिए तो ज़रूरी है कि ये करे एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे आते हैं आपके 25 क्वेश्चन इस तरीके से बी एच यू के एग्ज़ाम में, और यहाँ पे आपको केमिस्ट्री भी करना होता है, केमिस्ट्री के भी जस्ट 25 क्वेश्चन होते हैं। तो आप यहाँ से आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा आराम से। क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा दी हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ये हो गए आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, और मैं बता दूं कि फिजिक्स है, पर यहाँ से अपन को फिजिक्स नहीं करनी है, ठीक है। बायोलॉजी वाले को फिजिक्स नहीं करनी है, मेंटल एबिलिटी करनी है, केमिस्ट्री करनी है और जियोलॉजी बोटनी करनी है। जियोलॉजी बोटनी के अलग अलग क्वेश्चंस करके आएंगे, तो अपन को नहीं करनी है ये मैथ्स के, तो मैथ्स भी नहीं करनी है अपने को सीधे आना है बॉटनी पे। बॉटनी सेक्शन 4 है, तो अपन बॉटनी और जियोलॉजी करेंगे, ओके। तो ये बॉटनी के क्वेश्चंस है, पूरी एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते एकदम एनसीईआरटी बेस्ड ही है, 1-2 क्वेश्चंस ही आपको देख सकते हो कि आप थोड़े से एनसीईआरटी से बाहर या फिर थोड़े से आप कह सकते हो ट्विस्ट है या एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बाकी सारे एनसीईआरटी में दिए हुए ही हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। हो गया ख़त्म, आपको इतना ही करना था, उसके आगे एग्रीकल्चर वालों का आएगा तो अपन देख लिए हैं। ख़त्म होता है ये लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको ज़रूर देना चाहिए बी एच यू का।